आपने इस घर में हर बार लाइन क्रॉस की, जिस तरह आपकी रिएक्शन, आपका क्या अधिकार है कि आप मुझे बताओगे कि मैं कब बात करूं और मैं कब चुप हो जाऊं? तो गाइस आज मेरे पास ऐसी न्यूज है जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनीषा रानी के बारे में। तो क्या मनीषा रानी को उनकी फ्रेंड ने एक्सपोज कर दिया है और ट्विटर पर स्कैमर रानी क्यों ट्रेंड हो रहा है? वेल गाइस, मनीषा रानी की फ्रेंड का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो मनीषा रानी के खिलाफ बोल रही है कि मनीषा रानी सबको बेवकूफ बनाती है। उसने एल्विस और फुकरे इंसान को भी एक कहानी बताई है जिसमें मनीषा रानी ने कहा था कि मैं कलकत्ता में डांस बार में डांस करती थी। फिर उनकी फ्रेंड ने आगे कहा कि आप लोगों को क्लियर बताइए कि मैंने डांस बार ओनर को फंसाया था और फिर उनसे फेक प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शादी करूंगी और फिर उसके पैसे लेकर बॉम्बे आ गई। और आप ये क्लिप देखिए उन्होंने आगे क्या कहा। डांस बार में काम करती थी कलकत्ता में, जैसे अभिषेक और एल्विस को एक स्टोरी बता रही थी, कहानी बनाया हुआ कि मैं लाइक गई थी वहाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक बीच में स्टोरी बताई थी कि हम चले गए थे वहाँ पे, हमें डांस करना पड़ा, नाचना पड़ा ना। तो आप लोगों को क्लियर बताइए कि आप कलकत्ता में आप डांस बार में काम करती थी और वहाँ के ऑनर को इसने फंसाया अपने लाइक अपने जाल में, उनको अपने किया और फिर उनको फेक प्रॉमिस किया कि मैं आपसे शादी करूँगी, हमें ये वो, हम साथ में रहेंगे एंड ऑल। एंड उसने बंदे ने इसको 10 लाख रुपए या 20 कितना दिया वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एग्जैक्टली अमाउंट। तो वो बंदी उस पैसे को लेकर वो बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आने के बाद उनको लगा कि अब वो तो मुझे भूल जाएगा, नंबर एंड ऑल सब कुछ चेंज कर लिया अपने, पर आपको पता है डांस पार्क के ऑनर्स कैसे होते हैं, उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं। उस बंदी को इसने फाइंडर पहले तो उन्होंने कंप्लेन भी किया, आप कलकत्ते के मीडिया में देख भी सकते हैं, पहले ये अखबार में आ चुका मनीषा के बारे में कि एक मनीषा रानी करके कलकत्ता से पैसे लेके भाग। तो गाइस क्या सच में मनीषा रानी ऐसी है या उनकी दोस्त झूठ बोल रही है? ये तो खुद मनीषा रानी का रिएक्शन आएगा तब पता चलेगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। तो वीकेंड का वार का नया प्रोमो आ चुका है, इस बार सलमान खान की जगह करण जौहर शो को होस्ट करते दिखेंगे। ऐसे में वो सभी घर वालों से बात करते नजर आएंगे लेकिन अभिषेक पर उनका गुस्सा देखने को मिलेगा। प्रोमो की शुरुआत में अभिषेक के कुछ क्लिप दिखाए गए जिसमें वो काफी ज्यादा वायलेंट होते दिख रहे थे। वो अपने गुस्से के आगे इतना ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि उनका माइक तक फेंक देते हैं, फिर बिग बॉस का नाम लेकर चिल्लाते भी हैं। अभिषेक का ऐसा रिएक्शन देखकर करण जौहर काफी शॉक्ड होते हैं। वह कहते हैं आपने इस घर में हर बार लाइन क्रॉस की है, जिस तरह के आपके रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। करण की बात सुनकर अभिषेक ने कहा सर आप कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? तो कंटेस्टेंट की बात सुनकर करण ने काफी गुस्से में जवाब दिया मैं कहां लेकर जा रहा हूं, आपका क्या अधिकार है कि आप मुझे बताओ कि मैं कब बात करूं और कब चुप हो जाऊं? इस दौरान करण जौहर काफी एंग्री थे। अब आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद गाइस खबर आ रही है कि तेलका को बिग बॉस से बाहर कर दिया गया है। बिग बॉस से जुड़े अपडेट देने वाले सोशल मीडिया हैंडल बिग बॉस तक के मुताबिक वीकेंड का वार में करण जौहर सनी आर्या की सजा का ऐलान करते हैं क्योंकि वो अभिषेक के साथ थोड़ा फिजिकल हो गए थे, तेलका ने उनकी कॉलर पकड़ ली थी, इसके चलते उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है। बिग बॉस उन्हें कई बार चेतावनी दे चुके थे। इसके बाद तेलका अपना अग्रेसिव बिहेवियर सुधार नहीं पा रहे थे इसलिए उन्हें घर से बाहर करने का फैसला लिया गया। अब इस पर उनकी वाइफ ने भी रिएक्ट किया है, वो भी गुस्से में दिखी। उन्होंने कहा कि सनी ने कोई किसी की गर्दन नहीं पकड़ी थी तो उसे एविक्ट कर दिया। और आप ये क्लिप देखिए वो क्या कही। सो गाइस जैसे कि आप सब लोग न्यूज, मतलब मैंने जस्ट अभी न्यूज देखी और मेरे को मतलब न्यूज में ये बताया जा रहा है कि भाई सनी को एविक्ट कर दिया गया बिग बॉस हाउस से और रीजन ये है कि उन्होंने कुछ फिजिकल किया है। तो मैं गाइज आप सबको बताना चाहूंगी कि फिजिकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक कि अभी क्लिप्स मैंने देखी हैं। मतलब कोई इंसान कितना भी प्रवोक करे आपको, कुछ भी प्रवोक करे, कुछ भी, आप पहली बात तो उसने कोई गला नहीं दबाया किसी का, है ना। उसने जस्ट ऐसे टी शर्ट को आई थिंक पकड़ा है और अगर किसी को थोड़ा बहुत, अगर आप किसी को प्रवोक कर रहे हो तो अगर उस बंदे ने आप पे थोड़ा रिएक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कोई रिएक्ट ही नहीं करता है, है ना। और अगर 1% कर भी दिया तो मैं यही बोल रही हूँ कि भाई उसको ये, अगर वो ईशा के लिए दुनिया से लड़ जाता है ना तो भाई अरुण से तहलका, मतलब मेरे हस्बैंड जो है सनी है जो, वो बहुत प्यार करता है भाई दोस्ती के लिए। दोस्ती अगर दिल से होती है ना तो अपने बंदे के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। ये चीज को अंडरस्टैंड तो सबसे पहले अभिषेक को करना चाहिए था। अगर 1% ऐसा हुआ है कि सनी को इस रीजन के वजह से इविक्ट कर दिया गया है तो ये रॉन्ग है, बिकॉज वो ईशा के लिए नहीं सुन पाता तो उसे इस चीज की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए थी कि यार वो अपने भाई, अपने अरुण के लिए कैसे सुन सकता है। तो यार दोस्ती है तो ऑब्वियस है उसको हर्ट होगा और इतना आई डोंट थिंक सो कि ये इतना बड़ा रीजन था कि इवेक्ट कर दिया, उसने कुछ मारा नहीं है उसको। तो गाइस आपको तेलका भाई के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। ये थी वीडियो, किसी लगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।